दोस्तों आज आपको मैं लेके चल रहा हूँ वैष्णो देवी की यात्रा पर। मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखे, कुछ बातें बताऊंगा जो आपको इस यात्रा में ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शो में। आज हम आए हुए हैं वैष्णो देवी कटरा दर्शन करने के लिए। माता के अभी हम कटरा में हैं और होटल वरुण के यहाँ ठहरे हुए हैं, जो कि होटल एक बहुत अच्छा होटल है, अच्छा है। हम लंच करने जा रहे हैं अभी, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे माता वैष्णो देवी के ऊपर। यहाँ पर चढ़ाई के लिए दर्शन को जाएंगे हम, पहले लंच करते हैं, उसके बाद में माता के दर्शन करने चलेंगे। जय माता दी। हमारी यात्रा शुरू हुई है जोधपुर रेलवे स्टेशन से। हमने रिजर्वेशन करवा करके अपनी सीटें बुक करवा ली थी और जब हम सुबह पहुंचे हैं जम्मू रेलवे स्टेशन पर। यह है जम्मू रेलवे स्टेशन का नज़ारा, देखिए कितना साफ सुथरा, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं कटरा जाने वाली गाड़ी का जो थोड़ी देर में आने वाली है। तो मैं और मेरे साथ मेरे मित्र और उनकी फैमिली भी साथ में होंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चिनाब डैम का एक छोटा सा मॉडल। इस चिनाब डैम को रियल देखने के लिए मेरा अगला एपिसोड जरूर देखें, और चिनाब डैम को रियल देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सुबह सुबह चाय और नाश्ता जो सबको चाहिए था, और ये हमारे मित्र उगम सिंह जी के सासू जी और मित्र अशोक भाटी जी की माता जी भी यहाँ पर सुबह सुबह चाय का आनंद लेते हुए। हम तीनों मित्र यहाँ पर मंत्रणा करते हुए कि आगे की हमारी रणनीति क्या रहेगी, हमें कैसे जाना है, क्या करना है, उसी बात पर हमारा चर्चा चल रही है। सुबह सुबह हम सबके चेहरे ऐसे ही हैं क्योंकि अभी हम होटल में जाएंगे, वहाँ पर फ्रेश होंगे और फिर माता जी के दर्शनों को जाएंगे। अब हम जम्मू से कटरा जाने वाली गाड़ी में सवार हो चुके हैं जो कि हमें थोड़ी देर में कटरा पहुंचा देगी। ये हम आ चुके हैं कटरा स्टेशन के बाहर। बहुत ज़बरदस्त भीड़ है और सभी को वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाना है। ये है होटल वरुण जहाँ हम ठहरे हैं, और सभी लोग फ्रेश होकर के आ चुके हैं नीचे। ये होटल की लॉबी है, बहुत ही अच्छी। ये पूरा ट्रिप हमने प्लान किया था हमारे एक मित्र जो कि श्रीनगर में रहते हैं। मैं उनका नंबर और एड्रेस इसमें डाल दूंगा, ताकि आप लोग भी अगर चाहें तो उनकी सेवाएँ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिप रहा। अब हम चल रहे हैं लंच करने के लिए। ये लंच में हमारे लिए आ चुकी है पनीर की सब्जी और एक सूखी सब्जी जिसमें है आलू, गोभी, मटर, टमाटर और लाल मिर्च। तो अभी शुरुआत करते हैं खाने की और आपको बताते हैं इनका स्वाद कैसा है। तो सबसे पहले ये दाल भी आ चुकी है, दिखने में तो बड़ी शानदार लग रही है लेकिन खाने में कैसी पता नहीं, और रोटी भी ठीक ठाक ही लग रही है। चलिए शुरू करते हैं खाने का। ये प्लेट में हमने डाली है सब्जी, आलू, टमाटर और पनीर की सब्जी। कलर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये थाली तैयार हो चुकी है हमारी, सलाद भी है, तो शुरुआत करते हैं। सब्जियाँ
ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਲ ਲਾ ਬਸ ਤਰਸ ਤੋਂ ਕਰੋ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਆਪ ਤਾਂ 10 ਜਣਾ 15 ਜਣਾ ਜਿੰਮਾ ਵੀ ਅਗਰ 20-25 ਜਣਾ ਆ ਗਿਆ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਮਾਰਵਾੜ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ लंच करने के बाद हम आ गए हैं यात्रा पर्ची काउंटर पर, क्योंकि अगर आपको वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना है तो यहाँ पर पर्ची कटवाना बहुत ही आवश्यक है। ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के लिए है और ये बिल्कुल फ्री है। हम लोग लगे हुए हैं रजिस्ट्रेशन की लाइन में, रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर, लाइन लगी है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही आप माता के दरबार में ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा सकते हैं। हमें ये पर्ची मिल चुकी है तो इसे संभाल कर रखना है, क्योंकि आगे इसके द्वारा ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। यात्रा पर्ची लेकर के हम आ गए हैं प्रवेश द्वार पर। यहाँ पर एंट्री होगी और फिर वहाँ से होगी शुरू चढ़ाई 13 किलोमीटर की। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग लाइन बनी हुई है, आदमी अलग है, औरतों की लाइन अलग है। यहाँ पर आपकी पूरी चेकिंग की जाएगी कि आपके साथ में कोई ऐसा वैसा सामान तो नहीं है। तो चलिए हम इधर से निकल कर आ गए हैं बाहर, और बाहर आकर यहीं से शुरू होती है आपकी चढ़ाई। ये जगह है मेन, जहां से बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। घोड़े वाले हमारे पीछे पड़ गए कि आपको हम ले चलते हैं 1200 रुपए 1400 रुपए, वो रेट बताने लगे। इन सब के बीच में हमारी श्रीमती जी थोड़ा सा नाराज हो गई, क्योंकि उनको बैटरी वाली कार में ही आगे तक जाना था। पूरे रास्ते में आपको ऐसे फोटो बूथ मिल जाएंगे जहाँ आप फोटो खिंचवा सकते हैं, बहुत ही अच्छे बने हुए हैं दोनों तरफ। लेकिन फोटो खिंचवाने की फुर्सत कहाँ थी, जब हमारी श्रीमती जी नाराज हो गई, हमको उनके पीछे जाना पड़ा उनको मनाने के लिए, क्योंकि वो आगे आगे चल रही थी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि बैटरी कार यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो आगे मिलती है। तो मुझे उनके पीछे जाना पड़ा और मेरे साथ ही इसमें मेरे से बिछड़ गए। हमने सोचा कि वो मेरे पीछे पीछे आ जाएंगे, लेकिन वो वहीं रह गए और हम आगे पहुँचे जहाँ पर कि घोड़े बुक किए जा रहे थे सिर्फ 650 रुपये में। तो आपको बता दूं मैं, यहाँ का रेट फिक्स है 650 रुपये, जो कि गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है। तो आप किसी के भी बहकावे में ना है कि रेट ज़्यादा दे दें, पर ये खच्चर वाले जब आपको खच्चर से उतारेंगे तब आपको ये जरूर बोलेंगे कि आप खुशी से कुछ और दे दें उन्हें, तो वो आपसे 150 रुपये ज़्यादा ले ही लेंगे। तो इसके लिए तैयार रहें और बिल्कुल अपने आप को मजबूत रखें कि उनको बिल्कुल भी एक पैसा न दें। और इनका जो मार्ग है वो निश्चित रहता है, वो उसी रास्ते से लेकर के जाते हैं और जहाँ तक पहुँचना निश्चित होता है वहीं तक पहुँचाते हैं। उसके बाद में आपको फिर अपनी यात्रा पैदल शुरू करनी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने तय किया होता है कि यहाँ तक तुम ले जाओगे, आगे फिर हम ले जाएंगे। और रास्ते के अंदर चलते समय आप ध्यान रखें कि जो सामने से आ रहा है वो खच्चर, वो आपको कहीं धक्का वक्का न मार दे। अगर आप पैदल चल रहे हो तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, बचकर चलना पड़ता है, क्योंकि रास्ता बहुत ही छोटा है, सकड़ा है और लोग आते जाते रहते हैं, तो आपको बच कर चलना पड़ता है बहुत। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखें। रास्ते में बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं, कुछ खरीदना हो तो आप खरीद सकते हैं। रास्ते में वॉशरूम की सुविधा भी है, पानी पीने की सुविधा भी है, तो आप आराम से अब जय माता दी का जयकारा लगाते हुए आराम से यात्रा कीजिए। रास्ते में शेड भी बने हुए हैं ताकि आपको आंधी बरसात, आंधी तो खैर वहाँ आती नहीं, बरसात और बर्फबारी अगर हो तो उससे बचाव किया जा सकता है। यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि माता की चुनरी प्रसाद वगैरह कुछ साथ में लेकर के जाएं, तो बिल्कुल भी ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी सामान अंदर ले जाने नहीं दिया जाता है। तो आप खाली हाथ ही जाएं, वापसी में लौटते समय आपको जो इच्छा हो वो आप ले सकते हैं। इस वक्त मई के महीने में मौसम बहुत ही अच्छा है, खुशगवार मौसम है, तो हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं आई और हमारी यात्रा बहुत ही अच्छी रही। घोड़े वाले भी हमें बहुत अच्छे मिल गए थे। मस्ती से चलते चलते हम माता के दरबार की ओर जा रहे हैं।
रास्ते में डस्टबिन लगे हुए हैं और रास्ता बिल्कुल साफ है, तो आपसे भी अनुरोध है कि रास्ते में कचरा इधर उधर ना फेंकें और पर्यावरण का ध्यान रखें और अपना जो भी कचरा हो तो वो डस्टबिन में ही डालें। अगर आपको सीधे रास्ते से नहीं जाना है तो ये बाईं तरफ जो सीढ़ियां दिखाई दे रही है इसको चढ़ते हुए भी आप माता के मंदिर तक जा सकते हैं, ये एक शॉर्टकट रास्ता है। यहां तक आते आते हमारी श्रीमती जी थक गई थी तो हमने एक स्ट्रॉलर को किराए पर लिया और मैडम को उसमें बिठा दिया। अब यहां से वो स्ट्रॉलर में ही चलेंगी। यहाँ तक आते आते मौसम बदल गया, बारिश होने लगी, तो हमने अपने अपने मोबाइल्स वगैरह लॉकर्स में रख दिए, वहाँ लॉकर बने हुए हैं। हमारे दोनों बच्चे थक चुके थे, आगे एक घंटा और आगे चलना था मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो वो दोनों वहीं रुक गए और हम आगे चले गए दर्शन करने के लिए। बारिश हो रही थी, सब जूते और चप्पल वगैरह गीले हो गए और मेरे और मेरी पत्नी के जूते खो भी गए इस चक्कर के अंदर। तभी मेरे दोनों बच्चों ने, जो बैटरी कार की बुकिंग हो रही थी वो काउंटर पास में ही था, वहाँ भी लाइन लगी हुई थी। एक आदमी को चूंकि दो ही टिकट मिलते हैं, दोनों ने लाइन में लग करके इस समय का सदुपयोग किया और हमारे लिए टिकट ले लिए, जिससे हमारा रास्ता बहुत वापसी में आसान हो गया और हम जल्दी तक नीचे आ गए। जो दो तीन घंटे हमें वहाँ से आगे तक आने के लिए चाहिए थे वो हमारा बैटरी कार में पूरा हो गया और उसके बाद में हमको होटल तक पहुंचने में रात के 12 बज गए। ये ऊपर से हमने जो नज़ारा लिया है कटरा शहर का, देखिए कितना सुंदर और विहंगम दृश्य है। हमने सोचा था कि हम नीचे होटल में पहुंचकर खाना खाएंगे, लेकिन रास्ते में भूख लगने लगी और हमें एक अच्छा होटल दिखाई दिया, वहां हमने खाना खाया। और इसी प्रकार यह वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये यात्रा, ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।